पानी करने के 24 बार राइड करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों, फाइनली आज जो है हम पहुंच चुके हैं गोलकुंडा किला, जो कि हैदराबाद का सबसे फेमस किला है। सो आप हमारे साथ बने रहें। क्या है ना इधर मैप देख के जाओ, सही मैप है ये। इब्राहिम मस्जिद इसका डिजाइन देखकर चार पक्का फोर्ट बनाने वाली। यहां से फोर्ट गेट मिली ना गाड़ी का, एक बड़ा गेट मिला। हां हां, फोर्ट वहां तक है। अच्छा, वो शुरुआत से वहां से वाटर वॉल 7 किलोमीटर का है, लेडीज बॉडी गार्ड, उसमें आर्मी रहती थी पूरी। अभी हम अंदर जा रहे हैं। अभी 3 किलोमीटर का एरिया है, बादशाह और बेगम का पैलेस है। इस पर दूसरों की किसकी भी एंट्री नहीं। आउटर 7 किलोमीटर है, उस पर 7 गेट है। इनर 3 किलोमीटर है, एक ही गेट है। ये गेट नहीं दिखना बोलकर ये दीवार है। देखो आप, ये दीवार लड़ाई में ये दीवार नहीं रहेगा, दुश्मन हाथी दौड़ा के गेट को तोड़ देगा। थोड़ा आगे आओ, बाग हीरों का बाजार लगता था यहाँ पर। कोहिनूर जो हीरा है, यही तराशी कोहिनूर अभी लंदन में है। डेड बॉडी हॉल, डेड गेट, राजा मरने के बाद डेड बॉडी मेन गेट से नहीं निकालते, अंदर ये मुर्दा गेट है, सुरंग से डेड बॉडी निकालते। पानी के वेल है जो बिना करंट बिना मोटर के पानी को 500 फीट तक लेकर जा बोलते। ये रामदास का जेल है, 12 साल रामदास को कैद करे थे और पत्थर से मारकर मूर्ति उतारे, मूर्ति उतरे हुए। अंबार खाना, कुतुबशाही इब्राहिम मस्जिद है, ये मस्जिद के 2 मीनार दिख के 4 मीनार बनाया गया। महाकाली का टेम्पल है, 850 साल पुराना टेम्पल। दीवाने आम, दीवाने खास, यहाँ से सुरंग है 4 मीनार जाने के लिए 8 किलोमीटर। यहाँ पर पूरा हैदराबाद साइट सीन दिखेगा। वापस आएंगे शाही रास्ते से, ये रानी के महल में आएंगे पैलेस। पैलेस में देख रहे हैं लेडीज़ बॉडी गार्ड रूम, लेडीज़ मस्जिद, मेकअप रूम, ड्रेसिंग रूम, डांस स्टेज, वाटर फाउंटेन, धोबी घाट, लंगर खाना। लेडीज़ लोगों का अलग से इधर हिस्सा। हाँ, ये मैजिक रूम है। बोलते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं, अगर एक दीवार से बात करो 60 फीट दूसरी दीवार में आवाज़ सुनाई देगी। ये दांत महल, कपड़ा बजेंगे 24 बारी को सुनाई देगा। किधर है? यहाँ पर अस्तबल, तारामती पैलेस, भगवती पैलेस, तारामती मस्जिद, नगार खाना, असला खाना, 150 कमरे हैं। इसमें रखा हुआ है हथियार, गन्स, गोला बारूद, लेकर वापस के गेट से बोल रहे हैं। गोलकुंडा बोलते हैं, हैदराबाद का सबसे फेमस किला। और अभी हम जो है यहाँ से अंदर जाएंगे, अंदर जाके पूरा यहाँ का जो भी चीज़ें हैं वो सारा चीज़ आपको दिखाएंगे। ये यहाँ का मुख्य प्रवेश द्वार है और यहाँ से हम अंदर जाएंगे। गोलकुंडा किला निसंदेह भारत के सबसे शानदार किले परिसरों में से एक है। यह मूल रूप से मनकल के नाम से जाना जाता था और 1143 में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। यह मूल रूप से वारंगल के राजा के शासनकाल के तहत एक मिट्टी का किला था। बाद में इसे 14वीं और 17वीं शताब्दी के बीच बहमनी सुल्तानों और फिर शासक कुतुबशाही वंश द्वारा गढ़ा गया था। गोलकुंडा कुतुबशाही राजाओं की प्रमुख राजधानी थी। फोर्ट की बनावट की बात करें तो किले में कुल मिला के 8 दरवाजे, 4 सीढ़ियां और पत्थर की तकरीबन 7 किलोमीटर की लंबी और बहुत मजबूत दीवारें बनाई गई है।
ये जो किला है ये पहाड़ की चोटी पर बनाया गया है। सो जैसे जैसे पहाड़ की ऊंचाइयां बढ़ती गई है वैसे वैसे इन इमारतों को बनाया गया है। ये किला लगभग 7 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। भारत हीरे की खदानों विशेष रूप से कोल्लूर खदान के आसपास के कारण गोलकुंडा बड़े हीरे के व्यापार केंद्र के रूप में विकसित हुआ जिसे गोलकुंडा हीरे के रूप में जाना जाता है। इस जगह पर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी की जाती है जैसे कि आपने देखा होगा तेरे नाम फिल्म और इसी तरह की बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग इस जगह पर फिल्माई जाती है। इसी तरह मैं जो है आगे बढ़ रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियों से सबसे ऊंचाई वाले स्थान पर हम जा रहे हैं अभी और यहाँ से आपको देखने को मिलेगा गोलकुंडा किले का व्यू और वहाँ से नीचे का व्यू क्या होने वाला है वो सारा चीज देखने को मिलेगा। सुख बने रहे हमारे साथ। ये जो मंदिर आप देख पा रहे हैं ये लगभग 850 साल पुराना महाकाली का मंदिर है। नाकु करो बाबा ऐसा आ जाओ ऊपर चलते हैं किले के सब टॉप फ्लोर पे। सो फाइनली अभी जो है मैं पहुंच चुका हूं किले के सबसे टॉप पर और यहां से आपको नीचे का व्यू देखने को मिलेगा। ये आप देख पा रहे होंगे किस तरह से किला फैला हुआ है और हैदराबाद शहर आपको दिखाई दे रहा होगा यहां से। सो ब्यूटीफुल यार। Hey guys, so आप देख पा रहे हैं गोलकुंडा फोर्ट द मोस्ट विजिटिंग प्लेस इन हैदराबाद। सो आप बने रहे इसी तरह हम आपको पूरा किला घुमाएंगे। चलो आगे चलते हैं यहाँ से। ये क्या बंदीगृह है ये? ये जो है यहाँ का बंदी गृह है जहाँ पर लोगों को बंदी बनाकर रखा जाता था। ये गुफा है क्या अंदर? क्या है अंदर? कुछ है? कुछ नहीं बस पत्थर है। पत्थर ही है, ऐसा ही है।